नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और सुबह के करीब 5:30 बज रहे हैं और मैं अपने प्राकृतिक कार्यक्रम करने के लिए निकल पड़ा हूं घर से। और ये वही जगह है हिंडन नहर के किनारे, ग्रीन बेल्ट। और हमारे यहाँ पे बारिश जो है अभी बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इतनी बारिश हो गई है कि मैं जो है अपने पौधों में पानी ना लगाऊं तो चल जाएगा। तो जिस तरह से हमारी आवश्यकताएं सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में बदलती रहती है, और उसी तरह पेड़ों की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। इनको जो चाहिए उसका, जो मैं सेवा करता हूं उसका स्वरूप बदलता रहता है। तो आज मैं पानी लगाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मिट्टी में नमी अच्छी खासी है, तो मैं आज क्या करने आया हूँ वो अभी बताता हूँ मैं। आप मेरी वीडियो में बने रहें, आइए चलते हैं अपनी आगे की कार्रवाई करने के लिए। और हाँ, आज का जो औजार है, मैं जो शब्बल लाता था मैं वो नहीं लाया हूँ, क्योंकि मुझे अब घरौंदा या मल्चिंग नहीं करनी है, क्योंकि अब सूरज में इतनी तपस नहीं है और ना ही इतना गर्म मौसम है। और मैं जो लाया हूँ ये देखिए कटर है, और ये छोटी सी आरी है, और ये वो कलछी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ और काम करते हुए दिखा दूँ। ये देखिए जरा सी बारिश में चारों तरफ हरियाली छा गई है। तो बारिश का इफेक्ट ना पेड़ पौधों पर, हम पर, सभी पर पड़ता है। तो अब क्या हुआ है कि जैसे देखिए मैंने घरौंदा बना दिया था, मल्चिंग कर दी थी, लेकिन बारिश से क्या हुआ है, पेड़ों पर पत्ते अधिक मात्रा में आने लगे हैं। तो हुआ क्या है कि पेड़ एक तरफ झुक गए हैं। ये देखिए कचनार का पेड़ है, खूब बढ़िया तरीके से पत्ते आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ झुक गया है। इसी तरह से ये देखिए ये पेड़ भी जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है और नीचे ही नीचे फैला है, तो इसको भी मैं सेटिंग करूँगा। इसी तरह से मेरे जो है कुछ पेड़ों में, ज़्यादातर पेड़ों में नहीं, लेकिन कुछ पेड़ों में ऐसा हुआ है, खासकर कचनार के पेड़ों में, कि वो बहुत जल्दी से जो है देखिए, ये भी देखिए अब ये क्या है, नीचे नीचे फैल रहा है। तो मुझे क्या करना है, इनको जो ऐसा करना है ये ऊपर की तरफ जाए, तो वही मैं आज करूँगा। बरसात में जो है पेड़ों की रफ्तार बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो मैं जो है थोड़ा सा कष्ट दूंगा पेड़ों को, और इनसे जो है पहले ही प्रार्थना कर ले रहा हूँ कि मैं आपको सेटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कष्ट सहन कर लीजिएगा। इस वाली टहनी को जो है काट देता हूँ, क्योंकि थोड़ा देखिए बच्चे को जो है थोड़ा बहुत तो जो तकलीफ बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। अगर आपको सही अब क्योंकि क्या हुआ है ना, इससे होता क्या है कि तना जो है इसका स्टेम, जैसे ये एक तरफ झुक गया था तो इसका तना जो है इतना मोटा नहीं है, इतना भार नहीं उठा पाता, और मैंने थोड़ा सा कर देता हूँ, हल्का कर देता हूँ इसे, ये ऊपर की तरफ भागे। ठीक है, ये इसकी कटिंग हो गई है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। आइए इसी तरह से इस पेड़ की भी कर देता हूँ, थोड़ा बहुत तो तकलीफ सहन करनी ही पड़ेगी। मैंने सेटिंग कर दी है, अब ये पेड़ जो है जल्दी से बढ़ेंगे। और ये कंज पापड़ी का पेड़ है, इसको भी इतनी आवश्यकता नहीं है, इसको मैं जो है कर सकता हूँ, लेकिन सर्दियों में करूँगा इसे, तो मैं अभी नहीं करूँगा, इसे भी बढ़ने दीजिए, ये ऊपर जा रहा है। हाँ देखिए इसकी जो है थोड़ी ज़्यादा प्रूमिंग करनी पड़ेगी, और ये काफ़ी घना हो रहा है,
एक बार ये जो है ना 5-6 फुट की ऊंचाई ग्रहण कर लेंगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी इनको। लेकिन नीचे नीचे बढ़ने से क्या होता है ना कि ये फिर इनका जो है गाय भैंस आती है, खाती तो नहीं है इनको, लेकिन इनको तोड़ के चली जाती है। तो जितनी जल्दी ये बढ़ जाएंगे 5-6 फुट तक, तो ये इन्हीं के लिए फायदा रहेगा। ये देखिए ये अमलतास है, इस पर काफ़ी सारा पत्ते आ रहे हैं, और ये कम से कम जो है 7 फुट के आसपास ऊपर निकल चुका है। तो इसकी छटाई करने से कोई फायदा नहीं है, इसे कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसकी छटाई नहीं करता हूँ। इसको सर्दियों में जो है ना, सर्दियों में अगर ये ज़्यादा बढ़ गया ना, तो मैं इसकी तना जो है भी इतना मजबूत नहीं है, तब करूँगा मैं सर्दियों में। तो ये 2-4 पेड़ हैं कर दिए मैंने, और मैं इनको देखने रोज आता हूँ, काम हो ना हो। और मैंने जो 2-3 पेड़ लगाए थे वो भी अभी मतलब सूखे नहीं है, इसका मतलब वो हो जाएंगे। तो जब वो हो जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़, गिलहरी की आवाज़ हमेशा आती रहती है। ये देखिए नीम का पेड़ भी जो है ना, इसको तो मैंने एक बांध दिया किसी से, ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है अब, क्योंकि बरसात में जो है ना बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। आशा है आप लोगों को आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो कुछ ना कुछ करते रहिए, मतलब उनको देखने आइए पौधों को, पौधों के साथ कुछ काम करिए, तो एक अलग सी जो है ना फीलिंग आती है अंदर कि मैंने कुछ किया है। तो ये करते रहना चाहिए, और आप लोग भी जो है कुछ करिए प्रकृति के लिए। मानसून आ चुका है, बारिश भी हो जाती है बीच बीच में, पहले जैसी बारिश तो नहीं रही, पहले हमने वो देखा है आज से 30-35 साल पहले का दौर कि 7-7 दिन 4-4 दिन तक सूरज दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम बदल गए, लोग बदल गए, मौसम बदल गया, तो बारिश भी बदल गई। तो आशा है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।